सोलन के कंडाघाट में जनमंच का आयोजन किया गया, जिसमें शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जनमंच में यहां के स्थानीय लोग ऐसी बहुत सी समस्याएं मंत्री के समक्ष लेकर आए, जिससे पता चलता है कि सरकारी तंत्र अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा रहे, जिसके कारण गरीब लोग नरक सा जीवन जीने को मजबूर है। लेकिन सरकार द्वारा चलाया जा रहा जनमंच इन गरीब और असहाय लोगों के लिए वरदान साबित होता दिखाई दे रहा, क्योंकि यहां अधिकारियों की जवाबदेही मंत्री के सामने होती है और समस्या को हल करने के लिए अधिकारी को समय सीमा दी जाती है। एक शिकायत में सामने आया है कि गरीब व्यक्ति पिछले 4 वर्षों से बिजली का बिल तो दे रहा है, लेकिन उसके घर में 4 वर्षों से बिजली नहीं आई। वहीं जंकरीहू गांव के बासी सरकारी पानी न मिलने पर बारिश का पानी पीने को मजबूर है। वहीं एक जंकरीहू गांव की शिकायतकर्ता महिला बीना ने बताया कि पिछले काफी समय से केवल बारिश का पानी एकत्रित करके पीने को ही मजबूर है, क्योंकि उनके घर को आने वाली पानी की पाइप टूट चुकी है, जिसकी वजह से कई घरों में पानी नहीं आ रहा। महिला ने बताया कि सरकारी पानी उन्हें मिल नहीं रहा, इसलिए उन्हें पानी लाने के लिए नदी को पार कर पानी लाना पड़ता है, और जब बारिश आती है तो नदी को पार कर पाना मुश्किल होता है, तो उस सूरत में बारिश के पानी से ही गुजारा करना पड़ता। महिला ने बताया कि वे पानी के लिए कई बार विभाग अधिकारियों को सूचित कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी उनकी इस मांग पर कोई गौर नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने जनमंच में अपनी आवाज उठाई है। ग्राम पंचायत गाँव जिखड़ी सर की रहने वाली हूँ। हमारे यहाँ पे सड़क आई थी और सड़क के बाद जो पाइप थी वो टूट गई है, और उस वजह से हमारे गांव में घरों में पानी नहीं है। 2-3 घर है जिसमें पानी नहीं है, और अब जब बरसात होती है ऐसे तो पानी, चलो नदी है नज़दीक है, लेकिन नदी नज़दीक होने के कारण हमारे घर में फिर भी पानी नहीं है। दूर दूर तक पानी जाता है हमारी नदी से, लेकिन हमारे लिए नहीं है पानी। और जब बारिश होती है तो हम छत से पानी इकट्ठा करते हैं, फिर पानी उपलब्ध होता है पीने के लिए। अगर बारिश होती है तो नदी आती है। जैसे रोजाना घर के उपयोग के लिए पानी की जरूरत पड़ती होगी, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? सर हमारे नदी पार एक चश्मा है, वहाँ से हम पानी लाते हैं, और बाकी वहीं से हम गुजारा करते हैं। रात में थोड़ी ज़्यादा होती है, बरसात में जब नदी आती है तो नदी इतनी आती है कि कई कई दिन तक हम नदी पार नहीं कर पाते। उस वजह से अगर बारिश होती है तो छत का पानी इकट्ठा करते हैं। सर दोषी तो अब क्या बताएं, डिपार्टमेंट भी हो सकता है कि जब उन्होंने देखा कि हाँ अब यहाँ पे पाइपें नहीं है, पानी नहीं है, कई उन्होंने जब पानी बंद किया, जहाँ से पानी हमारा टैंक से सप्लाई होता है वहाँ से जब उन्होंने बंद किया, तो वो खुद भी देख सकते हैं इनको पानी पीने के लिए है या नहीं है उपलब्ध।